हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एक अच्छा सा मतलब एडेनियम की रूट ट्रेंड करने वाली हूँ। ये मतलब रूट तो तैयार हो चुकी है, इसको आज हम इसको अच्छा शेप देंगे और उसके बाद एक बोनसाई सा लुक देंगे इसको। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा रूट्स है इसको हमको हटानी है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे पास यहाँ पर दो प्लांट हैं और दोनों की रूट बहुत अच्छी निकल करके आई है। मैंने इनको फरवरी में कट करके इनको लगाया था, कोकोपीट में ही लगाया था, कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में। अभी देखिए रूटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। तो इनकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं जो आपस में उलझी हुई हैं उनको हमको कट करके हटाना है ताकि ये बिल्कुल क्लीन सा लुक दे और बाद में फिर बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आए एक रूट स्टॉक का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। बाद में जब ये मोटी मोटी रूट्स इसकी हो जाती हैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैंने लास्ट ईयर भी दो प्लांट तैयार किए थे अपने और इस बार भी बहुत अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं। तो अब इसकी रूट ट्रेनिंग ज़रूरी थी, तो बस रूट कट करना ज़रूरी था, तो वही मैं कर रही हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमको एक्स्ट्रा रूट्स हटा देनी है कट करके सारी, और जो बहुत पास पास है उनको भी कट करके हटा देना है और जो आपस में उलझी हुई हैं उनको भी कट करके हटा देना है। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में नहीं हटाया था, मतलब जब छोटा था प्लांट तब नहीं हटाया था। बाद में बड़ा प्लांट हो गया तो बहुत ज़्यादा एकदम मोटे मोटे से रूट्स कट करने में दिक्कत भी बहुत हुई, क्योंकि आपस में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि फिर प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब शुरू से ही हम इनकी रूट्स को अच्छा शेप दे देते हैं, ये देखिए इस तरह से शेप आएगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो एडेनियम में आप कई तरह से मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्लांट होता है, आप अपने आप में ही एक बोनसाई सा प्लांट होता है ये, तो बहुत खूबसूरत लुक देता है। फ्लावर के साथ साथ जो प्लांट की शेप है वो भी बहुत सुंदर बन जाती है। यहाँ पर देखिए, पहले इसमें फंगस एक बार लग चुका था थोड़ा सा, जब फरवरी में ही लगा हुआ था तो मैंने कट करके उसको वहाँ पे साफ फंगिसाइड लगा दिया था, तो अब ठीक हो चुका है ये, ठीक हो गया था उसी टाइम, यानी ठीक हो गया था उसके बाद ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था। और अभी बस उसका थोड़ा सा लेकिन ब्लैक कलर का दाग है, बाकी देखिए रूटिंग कितनी अच्छी हुई है और कुछ रूट मैंने कट भी कर दी है इनकी। तो रूट के साथ साथ मुझे ब्रांच की भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट फिर उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स पे लोड पड़ जाएगा। तो देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी है और कितनी सारी 10-12 ब्रांच एक एक प्लांट पर हैं, बहुत ही हेल्दी सा प्लांट है। तो इसको हम अच्छे से शेप दे देते हैं कट करके प्लांट को। ये देखिए कितनी ज़्यादा उलझी हैं इसकी रूट्स, तो इनको हमको पहले अच्छे से कट करना है सभी रूट्स को। तो अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से बोनसाई लुक, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आजकल तो एडेनियम को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड सा हो गया है, लगभग सभी लोगों को पसंद है एडेनियम, तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं एडेनियम पर। तो देखिए एक्स्ट्रा रूट हम इस तरह से कट करके हटा देंगे और ये देखिए, तो इतनी रूट्स हमने कट करके हटा ली है इसमें से। अब देखिए खुली खुली से रूट्स दिखने लगी हैं, तो अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए मैंने ये प्लास्टिक का पॉट लिया है, आप चाहे तो सीमेंट या मिट्टी का ले सकते हैं, तो कोई भी सभी मतलब एक बोनसाई सपोर्ट आप ले सकते हैं इसको रूट को प्लांट को लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा पॉटिंग मीडिया था मेरा पहले वाला ही है, सैंड है, राइस हस्क है, थोड़ी सी कोकोपीट भी है, लकड़ी का कोयला है, ईंट है, और ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट है, बोन मिल है, नीम खली है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया था और सिर्फ गार्डन सॉइल नहीं है इसमें। और ये देखिए ब्रांच भी प्रून कर दिया हमने थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी था, अगर इस तरह से हम लगाते तो वैसे लग जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट हो रहा था ऊपर का, तो नीचे की रूट हमने कट कर दी है तो थोड़ा सा इसको फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अब न्यू ग्रोथ करेगा ये, न्यू फुटाव लेगा फिर से, तो एक बोनसाई सा लुक में बहुत ही सुंदर होगा। तो इसकी टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी देती रहूँगी। तो इस तरह से देखिए हमको गमले को भर लेना है और फिर जितना गहराई में आप प्लांट को लगाना चाहते हैं, वैसे ऐसे प्लांट को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना होता है, थोड़ा ऊपर उठाकर ही लगाते हैं, लेकिन अभी रूट को थोड़ा हम दबाकर ही रखेंगे ताकि हिले डुले नहीं प्लांट, और आप चाहे तो वायर से बांध भी सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो मैंने तो अभी नहीं बांधा है, पर आप चाहे तो इसमें दोनों तरफ से इसको बांध सकते हैं।
तो ये देखिए इस प्लांट की प्रूनिंग अभी नहीं की है मैंने, तो इसकी ब्रांच भी हम कट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसमें 10-12 ब्रांच हैं इसमें भी, तो थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा मुझे, और एक हाथ से कैमरा पकड़ के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए तो मिट्टी को पहले हम अच्छा सेट कर लेते हैं। तो इसके नीचे मैं एक थर्माकोल का टुकड़ा लगा रही हूँ ताकि इसकी रूट जो मतलब नीचे का जो सरफेस है वहाँ से न्यू रूटिंग ना हो, नहीं तो वहाँ से न्यू रूटिंग होगी तो इसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने रखा है इसे, और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये। और जब ये मोटी मोटी से रूट्स आपस में मतलब इस तरह से मिट्टी में जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाएंगी रूट्स तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं कभी संडे अपडेट में आपको दिखाऊंगी जो मैंने लास्ट ईयर अपने प्लांट तैयार किए थे। और ये ऊपर से गिरने की वजह से इसकी एक ब्रांच थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो अभी तो हम फिलहाल इसको प्रूनिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको रूट दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने इनको, अभी भी घनी घनी से रूट्स हैं मतलब पास पास ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट नहीं की है मैंने, लेकिन फिर भी जो उलझी हुई थी रूट्स जो इसकी बहुत ज़्यादा फाइबर रूट्स थी उनको मैंने कट करके हटा दिया है ताकि इसका जो शेप है अच्छे से निकल कर आए। ये देखिए इस तरह से। तो जो रूट ट्रेनिंग होती है वो आप सीडलिंग से ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आप बड़े में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े में भी बहुत अच्छे से रूटिंग हो जाती है, पर सीडलिंग से करते हैं तो आपको शेप बहुत अच्छा मिलता है, तो चाहे तो आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस मैं ऊपर की दिखा रही हूँ ब्रांच, ये दो ब्रांच मैंने कट कर दिए थे दो प्लांट को, और इसको अभी नहीं कट किया है, इसको भी सोच रही हूँ कट कर दूँ। तो ये देखिए इसको भी मैंने सारे ब्रांचेस कट कर दी है, और देखिए कितने सारे ब्रांच निकल कर के आए हैं। तो अभी जल्दी यानी नीचे से भी जल्दी ग्रो करेगा और ऊपर से भी न्यू ब्रांच इसमें निकल करके ढेर सारी ब्रांच निकलेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट करके रख दिया है। आप चाहे तो टूथ पिक की हेल्प से आप ये रूट्स को थोड़ा अलग अलग करके शेप दे सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने बस ऐसे ही इनको रखा है। थोड़ा सा फिर से डिस्टर्ब हो गया तो मुझे निकालना पड़ा। तो ये रूट प्रूनिंग करके स्टेम प्रूनिंग करके मैं फंगीसाइड लगा रही हूँ यहाँ पर। आप कोई सा भी फंगीसाइड ज़रूर लगा दीजिए अगर आप ब्रांच या रूट जो भी प्रून करते हैं प्रूनिंग के बाद, आप अडेनियम प्लांट में फंगीसाइड ज़रूर लगाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो आप नहीं है फंगीसाइड तो हल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अडेनियम का प्लांट रखा है तो आपको फंगीसाइड भी रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अडेनियम प्लांट के लिए। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग करके रूट को हम बिछा देंगे यहाँ पर और फिर ऊपर से मिट्टी डालेंगे। एक एक रूट्स को इस तरह से अलग फैला करके आपको कर देना है ताकि सीधी सीधी जाएंगी तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं ये रूट्स। जब मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और अपने शेप में आ जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बिछा दिया है, और जब ये पूरे गमले को यहाँ तक गमले तक मतलब ऊपर से दिखने लगती हैं इसकी रूट्स तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके ऊपर अब हम मिट्टी डाल देंगे और बस हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। और इसको पानी नहीं देना है, आज पानी हम नहीं देंगे इसको, इसको हम कल या परसों पानी देंगे। मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट है, और एक दिन मैंने प्लांट को ड्राई भी कर लिया था ताकि कोई फंगस वगैरह का चांस ना हो। वैसे इतनी गर्मी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, ये बारिश वगैरह में फिर दिक्कत हो सकती है हाँ, लेकिन अभी इसको कुछ दिन बारिश के पानी से बचा के रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके एरिया में अगर बारिश हो रही है तो उससे आपको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसकी जो ब्रांच है वो भी कट कर दी है, तो कटी हुई ब्रांच पे जब बारिश का पानी गिरता है तो बहुत जल्दी वहाँ से फंगस अटैक होता है, तो इस वजह से आपको इसको